मेरा नाम कुशल कुमार है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट का BXi वेरिएंट सबसे ज्यादा तो सेल होने वाला है, टॉप रिकमेंडेड भी है, वो इसका यही वाला वेरिएंट है, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। जो भी बंदे ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं स्विफ्ट का जिसमें आफ्टर मार्केट वर्क कराने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े, सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएं जरूरत के, तो उन्हीं के लिए है ये BXi वेरिएंट। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो इस कार का प्राइस है, 6,95,000 रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। अगर आप लुक वाइज भी देखते हैं तो काफी बढ़िया लगती है देखने में, एक्सटीरियर से भी हो इंटीरियर से भी हो। मैंने आपको इस कार का बिल्कुल बेस मॉडल दिखाई दिया था जो कि LXi वेरिएंट था। इन दोनों वेरिएंट में 95,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है, फिर फीचर्स में भी काफी डिफरेंस रहेगा, वो भी सब कुछ इस वीडियो में हम देख लेंगे। जो भी बंदे मॉडिफिकेशन के फैन हैं, जिन्हें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करानी है उनके लिए तो LXi वेरिएंट है, बल्कि जिनको आफ्टर मार्केट वर्क बिल्कुल भी नहीं कराना, जिनको पसंद नहीं है आफ्टर मार्केट कुछ भी काम कराना, उनके लिए है BXi वेरिएंट, इसलिए सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग होता है BXi वेरिएंट। और वैल्यू फॉर मनी भी है अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस वाले वेरिएंट में ऑफर करे जाएंगे। कुछ तरह की आपको कार में की मिल जाएगी, रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है, लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब मिलने वाला है। और ये रही ग्रिल इस कार की जो कि आपके टॉप ब्रांड में भी सेम रहेगी, बीच में क्या सुजुकी का लोगो क्रोम स्ट्रिप दी जाएगी जिससे इस कार की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने बहुत बढ़िया लगती है। इसके BXi वेरिएंट में भी आपको कोई भी फोग लाइन्स देखने के नहीं मिलेंगे, इसके बेस वेरिएंट में भी आपको सेम ही फ्रंट प्रोफाइल मिलती है इस कार की। फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है फ्रंट प्रोफाइल, और ये साइड प्रोफाइल इस कार की, 14 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स, 165/80R 14 इंच की प्रोफाइल है। और ये इस कार का ORBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM रहने वाला है इस कार में, बॉडी क्लर्क और इंडिकेटर भी आपको ORBM पर दिया जाएगा, ए पिलर बी पिलर और सी पिलर हो गया इसका ब्लैक कलर का, डोर हैंडल बॉडी कलर्ड के। और फिर उस तरह की लगती है कार इस साइड से देखने में। और ये रही बैक प्रोफाइल, जैसे आप जैसे LED टेल लाइट ऑन होने के बाद कितनी बढ़िया लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल, ऊपर की साइड हो गया एंटेना, इंडिकेटर, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रेयर वाइपर डिफोगर बोशर जैसे फीचर्स आपको उसमें नहीं दिए जाएंगे, सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग और LED टेल लाइट और इंडिकेटर में आपको बल्ब दिया जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल हो बैक प्रोफाइल हो इस कार की वो देखने बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखा देता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में दिया जाएगा। पांच ट्रे मिल जाएगी आपको यहाँ पर, 268 लीटर का बूट स्पेस है इस कार में, टूल किट दी जाएगी आपको इसमें। तो वैसे आपने देखा कुछ तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक, बेसिक फीचर्स आपको इसमें सारे मिल जाते हैं एक्सटीरियर से, जैसे आपको इसमें व्हील कवर्स मिल जाएंगे, बॉडी कलर के ORBM, बॉडी कलर के डोर हैंडल्स, और फ्रंट प्रोफाइल देखें आप इस कार की, बैक प्रोफाइल देखें, सब कुछ बेस्ट मिलने वाली है। बस इसके BXi वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स देखने के नहीं मिलते हैं। इस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर डुअल जेट जो कि प्रोड्यूस करता है 89 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 37 लीटर की है। ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर, इंटीरियर हो चाहे डोर हो आपको पूरा ब्लैक कलर का दिया जाएगा, डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM उनके कंट्रोल्स मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो कंट्रोल दिए जाएंगे आपको उसके डोर में, वाटर बॉटल स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने के स्पेस और स्पीकर। बाहर से दिखने में मुझे इस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर आपको क्रोम कलर का मिल जाएगा, पावर विंडो मिल जाएगी और वाटर बॉटल स्पेस और स्पीकर के लिए 1 लीटर की बोतल आप इसमें नहीं रख सकते, 500 ml की बोतल आप इजिली रख सकते हैं। तो ये रहा इस कार का इंटीरियर जो की पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है। क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के BXi वेरिएंट में ऑफर करे जाएंगे वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, उस तरह का स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, लेदर रैप जो करा गया है इसका सीरीज का पार्ट है, वही बीच में सुजुकी का लोगो, क्रोम मिल जाएगा आपको यहाँ पर सर्कुलर में, स्टीयरिंग ऑयल कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, SRS एयरबैग क्योंकि बेजिंग, फ्रंट टू एयरबैग रहने वाले हैं इस कार में। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RPM मीटर हो गया यहाँ पर, स्पीडोमीटर हो गया यहाँ पर, बीच में कितने साइज की मिल जाएगी आपको इसमें MID जिसमें आपको इसके फ्यूल का कितना चल गई है कार, क्या टाइमिंग है वो आपको उसमें दिखता रहेगा, कुछ इसमें अलर्ट रहस रहने वाली इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो कुछ तरह का रहेगा ड्राइवर साइड AC वैन, ट्रैक्शन ऑन ऑफ को आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, वो हेडलाइट की बीम के कंट्रोल, वो ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, सर्कुलर में मिल जाएंगे आपको यहाँ पर AC वैन, बीच में हो गया हजार्ड लाइट का बटन, और टूटिन का मिल जाएगा आपको उसमें एंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि देखने में तो टच स्क्रीन एंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह लगता है, टच बटन मिल जाएंगे, मैनुअल AC दी जाती है, कुछ तरह के कंट्रोल्स है यहाँ पर, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस हो गया, फिर यहाँ पर कप होल्डर्स, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ इस तरह का गियर नॉब दिया जाएगा आपको इस कार में, सिल्वर फिनिश हो गई, वो इस कार का हैंड ब्रेक,
आपको थोड़ा स्पेस फिर यहाँ पर मिल जाता है। और ये रस कार का सनवाइजर बैनटी में आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रस कार का कैबिन लैंप हेलोजन मिल जाता है आपको। IRBM मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको उसमें। और ये आपको ड्राइवर सेट का सनवाइजर बैनटी मिरर मिल जाता है। ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगे इस कार में जिस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएगी, जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोर नो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, बाटर बटर स्पेस, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, कुछ इतने साइज का ग्लव बॉक्स रहने वाला है। यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है। तो भाई फीचर्स में तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली इस कार के BXI वेरिएंट में। अगर आप इसके इंटीरियर में देखते हैं तो स्टीयरिंग वॉल कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 2D का हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, उस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला जो कि देखने में स्पोर्टी फील करा देगा आपको। सर्कुलर में आपको रेड कलर की थीम मिल जाती है। अब मैं आपको रेयर सीट पर लेके चलता हूँ उस कार के, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है तो कितना लेग रूम रहने वाला है इस कार में। लेग रूम और हेड रूम में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बैगनार से तो हाइट कम रहने वाली है इस कार की पर, लेकिन जो विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, वो आपको स्विफ्ट में ज्यादा मिल जाएगी। और रेयर सीट और बैटर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। फ्रंट में आपको जैसे ना कोई दिखाई देता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तो बैक में आपको कुछ तरह के फिक्स हेडरेस्ट दिए जाते हैं। वाटर बोटल हो गया स्पेस यहाँ पर, कुछ साइज का रहेगा बम्प। उसके डोर में भी आपको वाटर बोटल स्पेस मिल जाता है जिसे आप देख सकते हैं। डोर में हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो हो गई, कुछ साइज का वाटर बोटल हो गया स्पेस। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इस कार का इंटीरियर। फीचर्स में कोई भी कमी नहीं रहती है इस कार में, इसके BXI वेरियंट में। जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। वीजे साहब ने देखा कुछ तरह का था इस कार का बुक रन, जो जो फीचर्स आपको इस कार के BXI वेरिएंट में मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको इस कार का एक्सशोरूम प्राइस बताया दिया था 6,82,000 रुपीज का। अगर आपको ये फीचर्स कम लगते हैं तो आप इसके अपर वेरिएंट को देख सकते हैं जो कि है ZXI वेरिएंट। और इससे एक और अपर वेरिएंट मिल जाता है आपको ZXI प्लस। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।